मंदसौर से। मंदसौर कलेक्टर ने रबी उपार्जन खरीदी कार्य का वेयरहाउस पहुंचकर किया शुभारंभ। कोविड 19 के नियमों का पालन के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं अपर कलेक्टर नरेंद्र सिंह राजावत ने संयुक्त रूप से रबी उपार्जन खरीदी कार्य का शुभारंभ बालाजी व सोनिक वेयर हाउस पहुंचकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर कोविड 19 के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। ऐसे किसान जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क प्रदान किए जाएं। वेयर हाउस के बाहर एक व्यक्ति को इसी कार्य के लिए लगाया जाए। संपूर्ण जिले में आज से ही गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी का कार्य प्रारंभ हो रहा है। जिले में गेहूं खरीदी के लिए 45,221, चने के लिए 40,577, मसूर के लिए 4,457 एवं सरसों के लिए 3,577 किसानों के द्वारा पंजीयन करवाया गया है। वहीं गेहूं खरीदी का कार्य 64 केंद्रों से किया जाएगा। साथ ही चना, मसूर व सरसों का कार्य 31 केंद्रों से किया जाएगा। खरीदी कार्य के पश्चात किसानों को जल्द से जल्द पेमेंट हो इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। किसी भी खरीदी केंद्र एवं वेयर हाउस पर विवाद की स्थिति निर्मित न हो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। शुभारंभ अवसर पर सभी किसानों को कलेक्टर के द्वारा शुभकामनाएं प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सभी किसानों का भुगतान समय पर होगा, उपार्जन कार्य भी बहुत अच्छे से किया जाएगा। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, सहकारिता विभाग सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।